हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कैलेंडर प्रॉब्लम की पार्ट 3। पार्ट 2 तक मैंने आपको वीडियोस पहले ही दे दिए हैं। चलिए देखते हैं अभी तक हमने क्या कवर कर लिया है। अगर आपको वो सब नहीं आता है तो जा करके देख लीजिएगा। सबसे पहले पार्ट में हमने कवर किया था उन प्रॉब्लम्स को जिनमें पूछा जाता है, आपको एक डेट दी जाएगी। जैसे दिया जाएगा कि कहेगा 19 अक्टूबर 2016 को कौन सा दिन था, जहाँ पे डेट दे करके दिन पूछा जाता है एग्जैक्ट। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ये हमने पार्ट 1 वाले वीडियो में डिस्कस किया है। आप देख सकते हैं बहुत आसान है, आसानी से निकाल लेंगे और कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। दूसरे पार्ट में हमने क्या देखा था कि उसमें भी आपको डे ही निकालना रहता था, लेकिन वो डे कैसे निकालना होता था, जब आपको कोई एक रेफरेंस पॉइंट दिया जाए। जैसे आपसे कह दे कि 19 अक्टूबर 2016 को ट्यूसडे था। अब इसको सही मत समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन रहेगा कि अगर इस दिन ट्यूसडे था तो आपसे पूछेगा कि बताइए कि 19 अगस्त 2017 को कौन सा दिन होगा। तो ऐसे आपको जब रेफरेंस पे क्वेश्चन आता था तो उसको कैसे करना है, ये मैंने आपको पार्ट 2 में बता रखा है। तो दोनों वीडियोस आप जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वीडियो, तो जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ये वीडियो हालांकि काफ़ी छोटी होगी, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों ने कमेंट किया था, तो मैंने सोचा बता देता हूँ। इस तरह का कॉन्सेप्ट जिसमें आपसे पूछा जाता है ईयर के रिपीटिशन को लेकर के प्रॉब्लम रहता है, या फिर कह लीजिए आइडेंटिकल ईयर की प्रॉब्लम जिसको कहते हैं। वो इसमें कह देगा कि जैसे कह देगा कि 1995, ऐसे कहेगा कि बताइए इस ईयर का जो कैलेंडर है उसे आप कब और आगे यूज कर सकते हैं, मतलब आगे आने वाले किन सालों में आप 1995 का कैलेंडर यूज कर सकते हैं, मतलब 1995 और उस ईयर का कैलेंडर एकदम सेम टू सेम होगा। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी बड़ा ही आसान है। बस इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि बहुत सारे लोग इसका गलत मेथड इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक जनरलाइज वे हो जाता है जो कि सही नहीं रहता है हर एक क्वेश्चन के लिए। मैं आपको एक मेथड बताता हूँ जो आपको हर एक क्वेश्चन में मदद करेगा और हर एक क्वेश्चन आपका सही होगा। इसमें आपको बस ध्यान क्या रखना है कि वो जो ईयर पूछा जा रहा है वो लीप ईयर है या फिर वो ऑर्डिनरी ईयर है। ऑर्डिनरी का मतलब साधारण सा ईयर है या फिर वो लीप ईयर में आ रहा है, ये आपको बस ध्यान रखना है। पता कैसे चलेगा लीप ईयर के लिए, अगर लीप ईयर होगा तो वो डिवाइडेड बाय 4 जब करेंगे तो रिमाइंडर वो देगा 0, ठीक है। अगर वो सेंचुरी ईयर होगा तो आपको 400 से डिवाइड करना होगा, अगर रिमाइंडर आ जाता है 0 तो वो लीप ईयर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आता है कि आप अगर 4 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, या तो रिमाइंडर आ सकता है 0, या तो आ सकता है 1, या तो आ सकता है 2, या तो आ सकता है 3, यही 4 रिमाइंडर आ सकते हैं। ओके, 0 आने का मतलब क्या है कि वो हो जाएगा लीप ईयर, ठीक है। लीप ईयर का मतलब, अगर मैं सेंचुरी ईयर को छोड़ दूँ, इसमें लीप ईयर का मतलब क्या होगा कि वहाँ पे सब कुछ कट जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। ओके, 1, 2 और 3 आने का मतलब क्या है कि वो सारे क्या हैं, ऑर्डिनरी ईयर हैं। ओके, तो अब एक क्वेश्चन जैसे 1995 पूछूं कि इसमें कौन सा ऐसा ईयर होगा जो इसके आइडेंटिकल होगा, तो कैसे निकालेंगे आप? सबसे पहले आप इसको 4 से कर लेंगे डिवाइड। 1995 को 4 से कर लिया मैंने डिवाइड, तो कितनी बार जाएगा? तो इसको करने का क्या तरीका है, आखिरी के दो नंबर आप 4 से काट लीजिए। 4 दुनिया 8, 1 बचेगा 15, 4 3 12, कितना आ गया रिमाइंडर, आ गया 3। तो रिमाइंडर 3 आने का मतलब क्या है, इस वाली कैटेगरी में आ रहा है। अब समझ के क्या रखिए कि अगर रिमाइंडर 2 आए या फिर रिमाइंडर आ जाए 3, तो उस केस में आपको यहाँ पे ईयर में ऐड कर देना है 11, ओके, प्लस ऐड करना है 11 ईयर, तो आपको उसका सही आंसर मिलेगा। अगर रिमाइंडर आता है 1 तो उसमें आपको ऐड करना है प्लस 6 ईयर, और अगर वो लीप ईयर में है तो आपको ऐड करना है प्लस 28 ईयर्स, तो आपको उसका आइडेंटिकल ईयर मिल जाएगा कि उसका आइडेंटिकल ईयर क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या रहा है 3, तो इसका मतलब हमको ऐड क्या करना होगा, 11। 11 किसमें, 1995 में। 1995 में 11 साल और जोड़िए, क्या जाएगा 2006। इसका मतलब कि 1995 और 2006 का जो कैलेंडर होगा वो होगा एकदम सेम, ठीक है। इसी तरह हम और आगे बढ़ते हैं, कोई और क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा जाए, जैसे 2017 के बारे में बात की जाए, पूछा जाए कि ये बताइए इसका आइडेंटिकल ईयर कौन सा होगा, तो आपको 4 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 आने का मतलब क्या है कि आपको +6 ऐड कर देना है, तो 2017 में आप +6 ऐड करेंगे, तो 2017 में +6 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2023।
मतलब 2017 और 2023 के ईयर क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। कोई लीप ईयर का क्वेश्चन जैसे कह दूं 2016 का, बताइए क्या होगा। तो 2016 आपको पता है कि 4 से काटेंगे पूरा काट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0, तो उस केस में इसमें 28 ऐड कर दीजिए। 2016 में 28 ऐड करिए, 16 और 28 कितना हो जाएगा 44, मतलब 2044 वो ईयर होगा जिसमें ये दोनों साल के कैलेंडर एक ही होंगे। मतलब 2016 का कैलेंडर अगर आप बचा के रखे हैं तो 2044 में आप उसे प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें रहेंगी, हॉलीडेज वगैरह नहीं, केवल आप दिन एकदम करेक्ट उसमें मिलेगा, ये बात है, ठीक है। और कोई एग्जांपल, कोई सेंचुरी ईयर का मैं लूँ, जैसे मैं कह दूँ कि 1900, ठीक है, 1900 बताइए। तो 1900 को जब आप 4 से भाग देंगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा, तो आप इसको लीप ईयर में काउंट करेंगे? नहीं, मैंने बताया है कि कोई भी सेंचुरी ईयर हो, 1700, 1600, 1900, 2000, 2100, तो आपको 4 से नहीं बल्कि उसको 400 से भाग देना है लीप ईयर निकालने के लिए। तो 400 से इसको जब भाग देंगे आप, तो यहाँ पे आपको पता है कि जब 400 से भाग देंगे तो यहाँ पे 300 शेष रहेगा पूरा का, मतलब ये 400 का मल्टीपल होना चाहिए लीप ईयर, बस सीधी सी बात इतनी है। पार्ट वन में बताया था कि 400 का अगर मल्टीपल नहीं है तो वो लीप ईयर नहीं होगा। जब ये लीप ईयर नहीं है तो आपको अब टेंशन लेने की जरूरत, तो अब जब इसको 400 से भाग देंगे 300 को, तो यहाँ पे देखेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 4 चौक 16, रिमाइंडर बच जाएगा 3। रिमाइंडर 3 बचने का मतलब 11 साल ऐड कर दीजिए, मतलब ये 1900 का कैलेंडर 1911 में हो जाएगा रिपीट। ऐसे आपको करना है लीप ईयर के केस में। अगर सेंचुरी ईयर है तो बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि आपको 400 से डिवाइड करना है, और 400 से डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, बस ये देख लीजिएगा कि जो वहाँ पे सेंचुरी ईयर लिखा गया वो 4 के पहाड़े में आता है कि नहीं। जैसे 19 4 के पहाड़े में नहीं आता, 4 चौक 16 होता है, 4 पंचे 20 होता है, 19 नहीं आता, तो वो लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ 2000, 2000 का कौन सा ईयर आइडेंटिकल होगा, तो आप क्या करेंगे, 400 से भाग देंगे, पूरा का पूरा कट जाएगा, 0 आ जाएगा रिमाइंडर, 0 आने का मतलब 28 जोड़ दीजिए, तो 2028 हो जाएगा 2000 का आइडेंटिकल ईयर, ओके। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा गलत नहीं होगा। बस इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि अगर रिमाइंडर 2 या 3 आएगा तो 11 साल जोड़ना है, 1 आएगा तो 6 साल जोड़ना है, और अगर वो लीप ईयर होता है तो आपको 28 साल ऐड करना है, फिर आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सही, ठीक है। अब इसको छोड़ करके चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। जैसे ये एक क्वेश्चन आपका ऐसे पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन दे दिया गया, अभी तक क्या पूछा जाता था कि जैसे पूछा जाता था कि 25 जनवरी को अगर संडे है तो बताइए कि उसी साल में 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। ये वाला क्वेश्चन हमने पार्ट टू में कवर किया है, तो ये तो कवर हो गया है, ये हम जानते हैं। लेकिन अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनता है, ये 25 जनवरी को बताएगा कि संडे है, तो आपसे पूछेगा कि बताइए उसी ईयर में वो कौन सा महीना ऐसा होगा कि जहां पे फिर से अगर 25 तारीख में हम जाएं तो संडे ही मिलेगा। तो आप कहेंगे ये तो थोड़ा उल्टी बात हो गई, कैसे करना है इसको, तो ये तो बहुत आसान है। इसमें करना क्या है, बस आपको जनवरी का कोड देखना है, जो भी मंथ पूछा जा रहा है उसका बस कोड देखना है, उसका कोड क्या है देखिए, तो है 0। तो आपको बस एक चीज़ और देखनी है कि वहाँ पे यही जो कोड है सेम और कहाँ पे रिपीट हुआ है, तो आ जाता है अक्टूबर में, तो वो कौन सा महीना होगा 25 तारीख का जहाँ पे फिर से आ जाएगा संडे, तो वो होगा अक्टूबर का, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बस इतना छोटी सी बात थी, पहला वाला भी बड़ा आसान था और दूसरा वाला भी आसान है। कोई भी आपसे पूछा जाए, मान लीजिए यहाँ पे पूछ लिया गया कि बताइए कि यहाँ पे अप्रैल जैसे दे दिया गया कि अप्रैल में कोई तारीख 15 अप्रैल को, कि 15 अप्रैल को पड़ रहा है मंडे, तो बताइए वो कौन सा महीना होगा जब फिर से जो है मंडे पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, अप्रैल का कोड कितना है 6, अब जुलाई में भी 6 आ रहा है तो और कहीं पे 6 नहीं आ रहा है, मतलब वो कौन सा महीना होगा जब फिर से 15 अप्रैल को मंडे ही पड़ेगा, तो वो हो जाएगा जुलाई। अगर वहाँ पे रिपीटिशन हो, जैसे हम बात करें मार्च की, तो फरवरी, मार्च और नवंबर तीनों के कोड क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों में जो दिन भी आएंगे वो भी आपके होंगे सेम। पहले पार्ट में हमने देखा था कि अगर कोई एग्जैक्ट डेट दी जाए उसमें पूछा जाए कि ये डे कौन सा होगा, वो देखा। दूसरे में अगर रेफरेंस दे करके पूछा जाए डे कौन सा होगा, तो वो देख लिया। तीसरे में हमने आइडेंटिकल ईयर पूछा जाए तो ये देख लिया। साथ ही साथ में एक प्रॉब्लम और क्या देख ली, चौथी जो आती है एग्जाम में, कि अगर पूछा जाता है कि अगर सेम एक तारीख दे दी गई और पूछा गया कि उसी ईयर में, ध्यान रखिएगा यहाँ पे सेम ईयर का होना जरूरी है, ठीक है, सेम ईयर होगा तभी ये आपका अप्लाई होगा। सेम ईयर में अगर पूछा जाए कि उसी तारीख में वही वाला दिन कब आएगा, तो बस आपको कोड देख लेना है। अब अगर कोई कोड ऐसा है जो कि केवल एक बार ही आया है, तो उस दिन के उस मंथ के लिए जो भी डेट पूछी जाएगी वो कहीं भी रिपीट आपकी नहीं होगी, इत्तफाक ही होगा कि अगर रिपीट हो जाए, वरना ऐसे रिपीट नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक सावधानी आपको क्या रखनी है, वो सावधानी ये है कि अगर ये तो ऑर्डिनरी ईयर के लिए होगा,
ये मतलब जो भी अभी मैंने बताया कि कोड सेम हो तो वहीं पे वो सारे मंथ सेम होंगे, और अगर 3 मंथ सेम है तो तीनों में सेम ही आपके डेट पड़ेंगे। मतलब अगर यहाँ पे जैसे मार्च का मैंने एग्जांपल लिया, तो मार्च में नवंबर में भी वही होगा, फरवरी में भी वही होगा। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन इसका क्या है कि लीप ईयर से आपको थोड़ा सा बचना है। फिर से वही लीप ईयर ही आपको पता है कैलेंडर में जो परेशानी पैदा करता है। लीप ईयर के केस में क्या होगा कि आपके कोड कुछ बदल जाएंगे, बस इनको ध्यान रखना है कि अगर लीप ईयर होगा तो जनवरी का जो कोड है वो हो जाएगा 6, और जो फरवरी है उसका कोड हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब आपको अगर लीप ईयर पूछा जाए, अगर यहाँ पे जैसे लीप ईयर यहाँ पे दिया नहीं गया था, अगर वैसे क्वेश्चन दे देता कि 25 जनवरी 2016 को अगर इस दिन क्या था, वेडनेसडे था, तो बताइए कि कौन सा ऐसा 2016 में मंथ होगा जहां पे फिर से आपको 25 तारीख को, 25 जनवरी नहीं, 25 तारीख को वेडनेसडे मिलेगा। तो अब आपको क्या देखना है कि 2016 है लीप ईयर, तो लीप ईयर होने की वजह से आपको मंथ बदल लेना है, मतलब कोड बदल लेना है। अब जनवरी का कोड 0 नहीं बल्कि जनवरी का कोड 6 लेना है, और फिर देखना है कि 6 कहाँ कहाँ पे आ रहा है। तो 6 कहाँ पे आ रहा है, अप्रैल में आता है और जुलाई में आ रहा है। तो इन दोनों महीनों में क्या होंगे, सेम आपके डे और डेट पड़ेंगे। ठीक है, तो 2 महीने ऐसे मिलेंगे जहाँ पे 25 तारीख में वेडनेसडे ही आपको मिलेगा, अप्रैल में भी जुलाई में। ध्यान रखिएगा कोड केवल इन दोनों के ही बदलने हैं, बाकी सेम एज इट इज रहेंगे। मार्च के बाद के जो कोड हैं वो सेम एज इट इज रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह अगर पूछा जाए, मान लीजिए कह दे, केवल इतना ही दे दे कि कोई लीप ईयर है और वहाँ पे 17 तारीख है फरवरी की, उस दिन पड़ रहा है फ्राइडे, तो बताइए वो कौन सा मंथ ऐसा होगा जब फिर से 17 तारीख को फ्राइडे ही पड़ेगा। और जब दे दिया गया है कि ये क्या है, लीप ईयर है, तो लीप ईयर होने की वजह से अब फरवरी का कोड 3 नहीं बल्कि हो जाएगा 2। तो अब 2 देखिए, और किसका कोड है, तो वो कोड आता है अगस्त का। मतलब इसका कौन सा महीना होगा, अगस्त का महीना ऐसा होगा जहां पे फिर से यही डे जो होगा वो डेट के साथ रिपीट होगा। ठीक है, बस ऐसे ही आपको करना है, ध्यान क्या रखना है, लीप ईयर का, बस और कुछ नहीं, बाकी बड़ा आसान आपके लिए हो जाता है। दूसरी, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन रहते हैं कि बताइए अगर किसी, जैसे दे दिया कि बताइए कि अगर 1 जनवरी 2001 को अगर मंडे पड़ रहा है, मतलब ऐसे दे देगा सही सही में कि अगर किसी भी साल की शुरुआत का पहला दिन मंडे है तो उसका आखिरी दिन क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, तो उनको कैसे करना है कि वहाँ भी आपको बस 2 ही कैटेगरी रखनी है, एक तो ऑर्डिनरी और एक लीप ईयर वाली। ऑर्डिनरी कैटेगरी क्या कहती है कि अगर ऑर्डिनरी ईयर है, मतलब 4 से डिवाइड होके 0 उसका रिमाइंडर बच रहा है, लीप ईयर नहीं है, तो वहां पे शुरुआत वाला दिन, ठीक है, जो ओपनिंग डे होता है और जो एंडिंग डे होता है, मतलब 1 जनवरी और 31 दिसंबर, ये दोनों सेम डेट को पढ़ते हैं, मतलब सेम डेट नहीं, सेम डे को पढ़ते हैं कि इनका डे जो होगा वो सेम होगा। अगर 1 जनवरी को मंडे है तो 31 दिसंबर को मंडे ही होगा। ओके, लेकिन अगर लीप ईयर है तो क्या होगा कि अगर 1 जनवरी को जो डे पड़ेगा और 31 दिसंबर को जो डे पड़ेगा उसमें 1 का इजाफा होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर 1 जनवरी को पड़ रहा है मंडे, तो लीप ईयर वाले में 31 दिसंबर को क्या पड़ेगा, उस दिन पड़ जाएगा ट्यूसडे। क्यों आपको पता है, क्योंकि फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है जिसका इफेक्ट आपको 31 दिसंबर को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी हो जाती हैं कवर। तो अगर आप SSC CHSL की तैयारी कर रहे हैं, इस तरह का जो भी एग्ज़ाम आप तैयार कर रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं एक बार फिर से कि हमारी वेबसाइट है studysmart.guru, उस पर आप जाइए, वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल सारा मिलेगा। जैसे कि वहाँ पे GK की जो एक सीरीज है वो चल रही है क्विज़ की, आपको रोज 25 क्वेश्चन वहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं स्पेशली उन्हीं को लेकर के क्वेश्चन सारे बनाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ इंग्लिश के वोकैबलरी के वहाँ पे आपको क्विज देखने को मिलेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह जो कि बहुत पूछा जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ा रहा हूँ उसका भी जो टेक्स्ट फॉर्मेट है मैं वहीं पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके साथ साथ बहुत सारा क्विज और मटेरियल आपको studysmart.guru पे देखने को मिलेगा। तो आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करिए, और आपको रोज वहाँ पे अपडेट देखने को मिलेगा जिससे आपका जो एग्जाम हो अच्छे से हो और आप भी अच्छे नंबर पा करके सेलेक्ट हो सकें। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो के बाद अब कोई भी कैलेंडर की प्रॉब्लम की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे मैंने देखा कुछ लोग कह रहे थे कि 15 अगस्त 1947 का सर हमारा थर्सडे आ रहा है, आपने कैसे, आपने जो बताया उस हिसाब से, और एक्चुअल में आंसर क्या है इसका, फ्राइडे है, इसको कैसे करना है। देखिए, जो भी आंसर आप निकालें उसको एक बार आप रीचेक जरूर करिए कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, कोई अलग फॉर्मूला नहीं किसी के लिए।
बस आपको करना क्या है कि आखिरी के दो यहाँ पे लेने हैं, ईयर का 47 प्लस इसको 4 से डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा। प्लस ऐड क्या करना है आपको, अगस्त का कोड, अगस्त का कोड कितना होता है 2 प्लस डेट कितनी है 15, अपॉन में कर देना है 7, कितना हो जाएगा देखिए, 11 और 2 13, 13 और 15 कितना हो जाएगा 28, 2847, ऐड करिए 8 7 15 और 4 2 6, 6 1 7, 75 अपॉन में 7। अब इसको कट करिए, कितनी बार में कटेगा, 7 दाम 70, बचेगा कितना 5, 5 किसका कोड होता है फ्राइडे का, आ गया कि नहीं, तो आ जाएगा। बस कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे होंगे, गड़बड़ी कर रहे होंगे, या तो ऐसा हो सकता है कि आपने मंथ का जो कोड होगा और जो डे का कोड होगा वो आपने मिसमैच करके लिखा होगा, 0 33 वाला जो कोड होगा यहाँ पे मंथ वाला, और आपने यहाँ पे संडे को 1 से शुरू किया होगा, तो यहाँ पे गड़बड़ी होगी। इसलिए मैंने जो पहला वीडियो बनाया उसको जा करके देखिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि हर एक लिस्ट के साथ कौन सा वाला डे कोड आपका लगेगा, तभी आप सही कर सकते हैं, वरना इस तरह कन्फ्यूज़ रहेंगे तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।